थाना बरसाने के रहने वाले एक फौजी युवक अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर एसएसपी से मदद की गुहार लगाई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचा युवक आर्मी में सिपाही के पद पर तैनात है, जो थाना बरसाना क्षेत्र के गांव सहार का रहने वाला जहीन है। जहीन के द्वारा जानकारी दी गई कि जहीन की शादी 2021 में आगरा जनपद के खड़वई गांव की रहने वाली युवती आमना से हुई थी। शादी के बाद आमना अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करती थी, जिसके चलते काफी समय से विवाद चल रहा था। इसके बाद वो अपने मायके चली गई। जिसे लेने के लिए जहीन अपने मायके गया तो आमना मायके वालों जहीन के साथ मारपीट की। मारपीट की शिकायत के लिए वो स्थानीय पुलिस चौकी पहुंचा तो पुलिस ने जहीन को नहीं सुनी और उसको थाने में बंद कर दिया। वहीं जहीन ने आरोप लगाते हुए पत्नी द्वारा मुझे और मेरे परिवारजनों पर मारपीट दहेज उत्पीड़न का झूठा मुकदमा लिखाया जा रहा है, जबकि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। इस संबंध में जहीन ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राइफलमैन जहीन खान है। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से हूँ। क्या मामला क्यों है? मेरे वाइफ का करेक्टर लूज है, मैंने उसका विरोध किया तो मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दिया। उसका मेरे को 3 दिन थाने में भी रखा गया था और मेरी एसएचओ साहब ने, मैंने उसका जो भी चीज़ बताई एसएचओ साहब ने मेरा मुकदमा नहीं लिखा और लड़की पक्ष का उन्होंने जल्दी कार्रवाई की और मेरे खिलाफ उन्होंने झूठा मुकदमा लग गया 3 तलाक का और दहेज के मामले में मारपीट का मामला, ये 4-5 झूठे मुकदमे लिखाए मेरे खिलाफ मेरी वाइफ। ये घटना है, मैं 2 सितंबर को अपनी वाइफ को लेने गया था। ससुराल जनों ने मुझे फ़ोन करके धोखे से मुझे घर बुलाया और वहाँ पर पहले से ही उनके घर वाले और उनके रिश्तेदार, उनके मामा और उनके बहन हुई, सारे लोग पहले से ही बैठे थे प्लान बना के। जैसे ही मैं अपनी वाइफ को लेने ससुराल गया तो उन लोगों ने मेरे पे मारपीट की, हमला किया और मैंने उनसे छूट करके पड़ोस के घर में जाकर मैंने शरण ली और वहाँ मैंने उनसे मदद की गुहार लगाई और मैंने उसी टाइम 112 पर कॉल की, पुलिस आ गई तत्काल में। मैं पुलिस को लेकर चौकी गया, चौकी पे चौकी इंचार्ज साहब नहीं थे, बाद में आए और मेरे ससुराली जन थाने जाकर एसएचओ साहब को मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दिया। मतलब तुम खुद पी लेते हो, तुम्हारे खिलाफ कुछ शिकायत कर दी? मेरे हाँ, मेरे को उल्टा उन्होंने षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा दिया। अच्छा जी, अब क्या चाहते हैं आप एसएसपी कार्यालय आए? मैं एसएसपी कार्यालय आया, एसएसपी साहब महोदय से यही विनती है कि हम फौजियों को इन पतियों से हमें निजात मिले और उनके जाँच हो और मेरे ससुराल जन मुझे आए दिन नए नए नंबरों से धमकी देते हैं, तेरे को गोली मार देंगे, तू कोर्ट में आ, तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारी बहुत पावर है, हमने थाने में आग लगा दी, हमारे हाथ से जाट का मर गया, इस प्रकार की कई धमकियाँ हैं जो कि मेरे मोबाइल में इस समय रिकॉर्ड है। मैं उनको क्या आश्वासन दिया? साहब ने बोला है जाँच के आदेश दिए हैं, जाँच होकर कार्रवाई की जाएगी। पलवल में विधायक